सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मामला सामने आया है। शमशान घाट और तालाब तक जाने वाले मुख्य मार्ग पर एक दंपत्ति द्वारा अतिक्रमण कर भवन बनाया जा रहा है। ये मामला सिंगरौली का है। सिंगरौली जिले के बरगवां के पास कनई ग्राम पंचायत में बरगवां से बैढ़न जाने वाली रोड पर मध्य प्रदेश शासन की जमीन पर निर्मला मिश्रा पति दिनेश मिश्रा पर अवैध अतिक्रमण व अवैध निर्माण का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि उस जमीन को लेकर ग्राम पंचायत के सरपंच पवन प्रजापति ने एक साल पहले देवसर तहसीलदार से स्टे लिया था। स्टे के बावजूद अतिक्रमण कर भवन निर्माण कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत के सरपंच पवन प्रजापति ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां पर अवैध अतिक्रमण कर भवन निर्माण किया जा रहा है, वहां शमशान घाट जाने का मुख्य मार्ग है, साथ ही पास में तालाब भी है जहाँ गाँव के मवेशी पानी पीने जाया करते हैं। सरपंच ने बताया कि कई बार पुलिस भी आकर अतिक्रमणकारी को भवन निर्माण से रोक चुकी है, लेकिन पुलिस के वहां से निकलते ही काम शुरू हो जाता है। भवन निर्माण हो जाने से शमशान घाट और तालाब पर जाने का कोई मार्ग नहीं बचेगा। ग्राम पंचायत के सरपंच ने शीघ्र ही इस अवैध अतिक्रमण को जिले के अधिकारियों से हटाए जाने की मांग की है। संबंध में हमारे ग्राम पंचायत कनई सिद्धि और बैढ़न मार्ग पर NH 75 पर तालाब और मार्ग पशुओं को पानी पीने के लिए जो एकमात्र रास्ता था उसके लिए अवरुद्ध किया जा रहा है, जिसपे हमने अगले वर्ष कार्यवाही के लिए तहसीलदार साहब के पास दिए आवेदन, जिसमें स्टे दिए। स्टे के बाद काम रुक गया, पुलिस वाले आए काम रुकवा दिए, लेकिन उनके जाने के बाद वो फिर से काम चालू कर देती थी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।